वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर सरबप्रीत कौर है ते मैं प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी की बेटी हाँ। अज असी प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पॉडकास्ट आरंभ कर रहे हाँ ते विसाखी के उपलक्ष च उन्हां दा पहला लेख तुहाडे अगे रख रहे हाँ जो कि है गुरु गोबिंद सिंह जी ते खालसा सिरजना। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी की जोत ते जुगत का ही दसवां रूप हैं। गुरु परंपरा विच आदि गुरु गुरु नानक देव जी हैं ते अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। गुरु नानक देव जी ते गुरु गोबिंद सिंह विच ना कोई द्वैत है अते ना ही अंतर भेद है। दोहां दा इष्ट प्रभु एक है, दोहां दी जोत ते सोच एक है, दोहां दा अनुभव प्रकाश ते ज्ञान उपदेश एक है, दोहां दी जुगत एक दूजे दे कारजां नूं पूरक ते संपूर्णता प्रदान करन वाली है। जे गुरु नानक देव जी ने धर्म, सिख, संगत, अमृत, शब्द गुरु ते निर्मल पंथ दे संकल्प स्थापित कीते हन तां दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हां सारे संकल्पां नूं अपनी आत्मक ते ज्ञान छोहां प्रदान करके हर पक्षों संपूर्ण, समर्थ ते सार्थक बना दिता है। गुरु परंपरा विच गुरु गोबिंद सिंह जी का योगदान ते स्थान सृजनात्मक अते संपूर्णता प्रदान करन वाला है। गुरु नानक देव जी ते सारी गुरु परंपरा विच एक सिरजना निर्मल या निराला पंथ दी सी। निर्मल पंथ गुरु मार्ग भी सी, गुरु सिख संगत भी सी, गुरु संस्था जथेबंदी भी सी। निर्मल पंथ दा मार्गी जा मेंबर उही सी जिसने गुरु परंपरा विच दसे या दर्शाए धर्म मार्ग नूं जीवन जाच दे हर खेतर विच अमली रूप विच ग्रहण करके अपने आप नूं अमृत क्रिया नाल शिंगार लिया सी। अमृत क्रिया वाला शुद्ध रूप एक धर्मी हुंदा है। होमे, हंकार, विकार, मोह, बिख्या रस, बैबंधन, लोभ, लालच वर्गियां पशु बिरतियां ते वह आज़ाद भी हो जाता है। वह सरकार जां हाकम दा मुहताज होण नालों प्रभु गुरु दा गुलाम या गोला होना वधेरा पसंद करता है। गुरु नानक देव जी ते गुरु परंपरा वालों सिरजे ते स्थापित कीते निर्मल पंथ नूं धर्म मार्गी सिखा नूं ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने विसाखी 1699 नूं श्री आनंदपुर साहिब विखे बुला के खालसा सिरजना दी सोच नूं संपूर्ण कीता सी। खालसा सिरजना किसी इतिहासक घटना दा जां साखे दा प्रतिकरण नहीं है, ना ही वह किसी धर्म की सुरक्षा लई खालसे की सिरजना हुई है। खालसा तो अकाल पुरख की फौज है। यह खालसा फौज की सिरजना परमात्म की मौज विचों हुई है, किसी व्यक्ति चमत्कार विचों नहीं। यही कारण है कि खालसा कदी हाकम जा व्यक्ति पूज नहीं होया। वह सदा प्रभु ते पंथ का मार्गी बन के धर्म ते अमृत के जीवन क्रिया विच रहत विच जींदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सीस पेट करन वाले जिन्हें पहले पंज सिखां नूं अमृत चका के खालसा सजाया सी, उन्हां नूं पंज रहतां विच रह के ते चार कुरीतां तो मुक्त हो के रहन दा भी उपदेश, आदेश जां रहनी संजम दित्ता सी। उह मुख तौर ते शुद्ध रूप विच सिख नूं धर्मी ही नहीं सिरजदा, सगों उस नूं गुरु खालसा फौज दा मैंबर बन के धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक खेतर विच वी पद सेती ते साबत मर्दाना बन के जीवन दी वी प्रेरणा देंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा सिरजना संसार दे इतिहास विच एक मौलिक, क्रांतिकारी ते इतिहासक प्राप्ति है। खालसा सिरजना उते गुरु गोबिंद सिंह जी ने नूं किन्ना मान ते गौरव होवेगा, इसका अंदाजा एक घटना तो भी लाया जा सकता है कि पंजा सिखां नूं अमृत छका के खालसा सजा के बेनती भाव विच कहिंदे हन कि अमृत तैयार करो, मैनूं भी छकाओ, मैं भी खालसा सज के अकाल पुरख की फौज का मैंबर बन के परमात्मा की मौज नदर निहाल का पात्र बनना चाहुंदा हाँ। सिख इतिहास साखी है कि मर्यादा अनुसार अमृत तैयार करके पंजा प्यारिया ने जदों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अमृत छकाया ते खालसा सजाया। खालसा बन के गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना केवल खालसा आदर्शां, खालसई स्वरूप ते खालसा जथेबंदी नाल
प्यार ही किया, सगों खालसे की होंद हस्ती नू स्थापित रखन लई अपना सारा बन शहीद करवा के भी आख्या कि खालसा मेरा खास रूप है, खालसे विच ही मेरा निवास है, मैं खालसे दा ही हाँ ते खालसा मेरा है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपा मिटा के शब्द गुरु खालसा नू अपना इष्ट स्वीकार कर लिया। मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हाँ इस पॉडकास्ट नू सुनन वास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगले एपीसोड विच असी तुहानू श्री आनंदपुर साहिब दी पवित्र ते इतिहासक धरती दे इतिहास दे नाल जोड़ांगे।